Welcome to Dental and Ayurveda, our channel for basic dental and basic Ayurvedic sciences. Our today's topic is Parat ke khaneej se parat nikalne ki vidhi. Before starting, I would like to thank you all for your support. And this chapter ke ready to read notes available hai hamare Instagram page pe, jiska link given hai description box mein. Parat prakaran part 3. Aaj ka hamara topic hai कि हम पढ़ेंगे कि जो पारद के योगिक अवस्था में पारद के जितने भी स्वरूप होते हैं उनसे पारद को कैसे निकाला जा सकता है। उसके लिए हम यहाँ दो विधियाँ पढ़ेंगे, एक है हिंगुलोत पारद और दूसरा है नाद यंत्र विधि। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राह्य और अग्राह्य जो पारद है उनके लक्षण देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंगुलोत पारद के बारे में। तो हिंगुलोत जो पारद है, इसका मतलब इसे ही समझ में आता है कि हिंगुल से पारद प्राप्त करना। तो इस विधि में क्या होता है, इस विधि में पातन यंत्र का उपयोग होता है। पातन यंत्र हमने आप पढ़ा है यंत्र उपकरण में कि नीचे एक घड़ा होता है मटके का, ऊपर एक उल्टा घड़ा रखा जाता है, उस मटके के ऊपर कपट बंधन किया जाता है और उसके ऊपर उसको ठंडा करने के लिए कंटिन्यूसली एक ठंडा पानी का कुछ सोर्स रखा जाता है और नीचे से उसे चूल्हे पर मध्य अग्नि दी जाती है। तो यहाँ पर उस पातन यंत्र का उपयोग किया गया है कि पातन यंत्र में शुद्ध हिंगुल चूर्ण को रखकर उसका संधि बंधन कर मध्य अग्नि युक्त चूल्हे पर पाक करते हैं। 2 घंटे के लिए यह पाक किया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि जब वो गर्म होता रहता है कंटिन्यूसली, तो कंडेंसेशन के लिए जो ऊपर वाला घड़ा होता है उसका उल्टा भाग, मतलब उसका तले भाग के ऊपर जो पात्र है उसको गीले कपड़े से या उसके ऊपर कोई सोर्स रखकर पानी का उसको बार बार ठंडा करते रहते हैं। उसके बाद में जब 2 घंटे पाक हो जाता है तो जो हमारा यंत्र है उसके स्वांग शीत होने के बाद पात्र के संधि बंधन को हटाकर दोनों पात्रों को अलग किया जाता है और ऊपरी जो पात्र होता है उसके अंदर कपड़ा रगड़कर पारद को निकाला जाता है, उससे पारद प्राप्त करते हैं। ये पारद प्राप्त करने के बाद क्या किया जाता है कि जैसे कांजी है या कोई और स्वर, उसमें एक मोटे कपड़े में पहले उस पारद को बिछा लेंगे, रख लेंगे, उसके बाद में उसमें छान कर और जो पारद हमें मिलेगा वो सर्वदोष रहित होता है और शुद्ध होता है। पारद धुआं जैसा ऊपर के पात्र तल में चिपकता है कि जैसे नीचे से हीट आई तो वो धुएं की तरह उठता है और ऊपर जाके जो ऊपर वाला मटका है उसके तल भाग में चिपक जाता है। ऐसे करके हमें पारद प्राप्त होता है हिंगुल से और इस विधि का नाम लिखा गया है हिंगुलोत पारद। नेक्स्ट विधि है हमारी नाद यंत्र विधि। तो इस विधि में सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पत्थर का खल्व लेते हैं, पत्थर के खल्व के अंदर हिंगुल चून डालते हैं। हिंगुल चून का में भावना दी जाती है धीरे धीरे जितनी हमें ज़रूरत है नींबू स्वरस की। ये भावना देकर 1 दिन तक मर्दन किया जाता है। मर्दन करने के बाद उसे सुखाने के बाद खल्व को चाकू से खरोच कर शुद्ध हिंगुल प्राप्त किया जाता है। वो शुद्ध हिंगुल प्राप्त करने के बाद एक अखबार लिया जाता है, अखबार के ऊपर उस हिंगुल को फैला दिया जाता है। फैलाने के बाद एक कपड़े की कतरन ली जाती है और कपड़े की कतरन को फैलाकर अखबार को लपेटते हुए एक गोला बना लेते हैं कि नीचे अखबार है उसके ऊपर हमने हिंगुल डाल दिया, हिंगुल के ऊपर हमने एक कपड़े की कतरन डाल दी और हम नीचे से अखबार को फोल्ड कर रहे हैं और एक गोला बन जाएगा उससे। और वो अखबार का एक गोला बनने के बाद उसको दोबारा से एक कपड़े की कतरन में लपेट देंगे और धागे से बांध देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, उसको ज़मीन पर रख देंगे। लोहे का टुकड़ा लेने के बाद लकड़ी के कोयले को उसके ऊपर रखेंगे और फिर क्या करेंगे, जो गोला हमने बनाया था उस गोले के ऊपर कैरोसिन छिड़क कर जो हमने कोयला रखा है उसको जलाकर उस जलते हुए
कोयले पर जो गोला है जिस पे कैरोसिन छिड़का हुआ है उसको रख देंगे। कैरोसिन छिड़कने की वजह से क्या होगा, वो गोला जलेगा। उसके बाद क्या होगा, जो गोला है उसको एक बड़ी नान से ढक दिया जाएगा और नान के ऊपर एक बोरा रख देंगे ताकि वो ठंडा रहे, और नाद के एवं ज़मीन के मध्य में तीन चार जो भी है छोटे छोटे चारों कोनों के अंदर छोटे ईंट के टुकड़े रख देंगे, जिससे क्या होगा प्रॉपर ऑक्सीजन जाती रहेगी और आग जलती रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट डे हम देखेंगे तो स्वांगशीत होने के बाद में उस नाद को उठाएंगे और अंदर से कपड़ा रगड़कर पारद निकाल लेंगे नाद के। उसके बाद चार गुना मोटा स्वच्छ वस्त्र लेंगे, उससे उस पारद को छान कर, उस पारद को धोकर उसको छान कर पारद प्राप्त कर लिया जाएगा। ये थी नाद यंत्र विधि। इसमें नाद यंत्र के प्रयोग से पारद को प्राप्त किया जाता है हिंगुल से। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्राह्य और अग्राह्य पारद के लक्षण क्या होते हैं। तो जो शुद्ध पारद होता है उसको कांच के पात्र में रखने पर अंतस्थन से नीलाव और बाहर से उज्ज्वल वर्ण एवं मध्याह्न से सूर्य की तरह प्रकाशित होता है, यह पारद श्रेष्ठ होता है। और ये ग्राह्य पारद का लक्षण है कि जब हम किसी शुद्ध पारद को कांच के पात्र में रखते हैं तो वो अंदर से तो नीला नीला सा दिखता है, बाहर से हम देखें तो वो चमकता हुआ उज्ज्वल वर्ण का दिखता है, और बीच से अगर हम उसे देखें तो वो सूर्य की तरह प्रकाशित होता हुआ दिखता है। ये श्रेष्ठ पारद का लक्षण है। नेक्स्ट हम देखें अग्राह्य पारद का लक्षण, तो वो धूम्र वर्ण का होता है, पांडु वर्ण का होता है और कई वर्णों से युक्त पारद रस कर्म सिद्धि के लिए ग्रहण योग्य नहीं होता है, वो अग्राह्य पारद के लक्षण है। तो ये हमारी आज की वीडियो के लिए था। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you for watching. Do like, share and subscribe if you found the video knowledgeable. Also, let us know in the comment box what all topics you need to know.